राजस्थान में इन दिनों विधायक रविंद्र सिंह भाटी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। बाड़मेर संसदीय सीट से वे लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं। भाटी न केवल खूब चर्चा हासिल कर रहे हैं बल्कि वे लोगों को अवाक भी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी रैली में जिस तरह की भीड़ जुट रही है और उन्हें जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक सरकारी स्कूल शिक्षक के बेटे रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान के सभी ताकतवर नेताओं के बीच में चंद दिनों के अंदर ऐसी राजनीतिक लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं कि जिसके बारे में सुनकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता रश्क कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब उन्होंने अपना नामांकन किया तो इसमें जुटी भीड़ को जिसने भी देखा उसे हैरानी हुई। भाटी राज्य में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। रविंद्र भाटी की चर्चा राजस्थान की सीमाओं से होते हुए देश भर में फैल गई है। बाड़मेर छोड़ दीजिए, उनकी शोहरत तो गुजरात के सूरत से लेकर महाराष्ट्र के पुणे और कर्नाटक के बेंगलुरु तक पहुंच गई है। हर जगह युवा उन्हें देखने के लिए भारी बेचैन लग रहे हैं। पिछले दिनों वे इन राज्यों के कई शहरों में प्रवासी राजस्थानी मतदाताओं से संपर्क करने पहुंचे थे। अपने छोटे से राजनीतिक करियर में रविंद्र सिंह भाटी बेहद कम समय में राज्य में बेहद लोकप्रिय हो गए हैं। राजस्थान में उनकी जनसभाओं और रोड शो में हजारों की भीड़ उमड़ रही है। भाटी पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से वर्तमान में निर्दलीय विधायक हैं और बाड़मेर संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव भी निर्दलीय ही लड़ रहे हैं। वे बाड़मेर लोकसभा सीट पर मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी को टक्कर दे रहे हैं। रविंद्र बेहद सामान्य परिवार से आते हैं लेकिन जब से उन्होंने बीते साल राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में शिव विधानसभा सीट से जीत हासिल की है वे राजस्थान की राजनीति में उदित होकर युवाओं की आवाज बन गए हैं और युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं। हालांकि युवाओं के मुद्दे उठाना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, वे छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर भी युवाओं की पहली पसंद रहे हैं। भाटी पहली बार 2019 में उस समय लोकप्रिय हुए जब वे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में विद्रोही उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए और भारी वोटों से जीत गए। दरअसल यूनिवर्सिटी में वे एबीवीपी के सदस्य थे और 2019 में रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से अपनी दावेदारी पेश की लेकिन उन्हें यह मौका नहीं मिला। ऐसे में भाटी ने निर्दलीय ताल ठोक दिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक निर्दलीय उम्मीदवार छात्र संघ के अध्यक्ष बने। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे कॉलेज की एक जमीन के मुद्दे पर गहलोत सरकार से भी टकरा चुके थे। उनके जुझारूपन और संघर्ष करने की क्षमता ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। वे विधानसभा का चुनाव गहलोत के खिलाफ सरदारपुरा से लड़ना चाहते थे और इसके लिए बीजेपी का टिकट चाहते थे। वे इसकी खातिर बीजेपी में शामिल हुए लेकिन जब लगा कि पार्टी उन्हें गहलोत के खिलाफ या कहीं और से भी टिकट नहीं देने वाली तो उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। विधायक बनने के बाद आखिर लोकसभा चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे आया, इस बारे में रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि यह जनता का आदेश था। क्या वजह रही चुनाव लड़ने के पीछे, सरकार के साथ में आपकी तालमेल भी चल रहा था, क्या वजह रही है? सब कई सारी चीज़ें रही, इसमें सबसे बड़ी चीज़ की जनता का आदेश था। बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा के हमारे छत्तीसी कौम के लोगों का और पिता तुल्य बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, युवा साथियों का कि आगे आके मजबूती से हमारी बात रखो, आवाज़ उठाओ और हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ो, तो उनका जो आदेश था उसकी पालना आपके भाई रविंद्र ने की। 2014 में जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था वो एक बार फिर देखने को मिल रहा है, आपकी जनसभा के अंदर स्पीच भी जसवंत सिंह जयकारे लगे थे। बिल्कुल, मुकाबला अच्छा रहेगा और मुझे मेरी जनता पे, पिता तुल्य बुजुर्गों पे, मातृशक्ति पे, छत्तीसी कौम के लोगों पे भरोसा है कि आने वाले 26 तारीख के चुनाव में वो पूरे तरीके से मतदान करके मुझे आशीर्वाद के रूप में आगे तक भेजेंगे। बयानबाजी आपकी और कांग्रेस के बीच चल रही है, बीजेपी साइड में हो गई है, क्या देखते हैं इसमें? राजनीतिक जीवन में मुझे कई सारे उतार चढ़ाव आया करे और बयानबाजी रो दौर जो क्रिया करी तो वीर प्रतिक्रिया में दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। बाकी मैं तो यह चाहूँ कि हमारे इतनी जो राजनीति है वो मुद्दा न माथे हुए विकास की बात करो कि अबार तक आप कहीं करी हुए, आप रो विजन कहीं है, आप रो मैनिफेस्टो कहीं, आप बताओ खुद रहो, मैं बताओ। निर्दलीय आज विधानसभा विधानसभा तक तो ठीक था, आज विधानसभा कवर करना कितनी मजबूती से कर लेंगे? और एक रविंद्र चुनाव नहीं लड़ रहा, ये तो बाड़मेर जैसलमेर
पर बालोतरा की जनता चुनाव लड़ रही है, मुझे पूरा जनता पर भरोसा है कि वो मजबूती से काम करके आने वाले चुनाव में भारी से भारी मतदान करवा के आगे तक भेजेंगे। सरकार से वार्ता भी हुई, कोई मनाने की बातें तक हुई है? नहीं, विशेषकर अभी कुछ भी नहीं है, मैं अभी काम कर रहा हूँ, पर मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में जनता और पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी और छत्तीसगढ़ कौम के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। लोकसभा चुनाव में वे बाड़मेर में हैंडपंप लगाने का मुद्दा उठा रहे हैं। वे रन फॉर रेगिस्तान और जनसंवाद जैसी यात्राओं के जरिए युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लोकप्रियता के मामले में सोशल मीडिया के जरिए वे युवाओं के बीच जाति धर्म की सीमाओं को पार कर गए हैं। उनके आसपास इतने युवा पहुंच रहे हैं कि इससे कांग्रेस और बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी में युवाओं को एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है और भाटी इस उम्मीद को जिंदा रखना चाहते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।